अपना असर करते। बेचैन जाकर बोल दे उसे आ रहा हूं मैं छुड़ाने। फाइनली इंडिया की मोस्ट वायलेंस मूवी किल थिएटर में आ चुकी है। लक्ष्य और राघव जोल की एक्शन मोस्ट वायलेंस मूवी किल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्त। लक्ष्य और राघव जोल की ये फिल्म कैसी रही, किस किस लोगों को देखना चाहिए मूवी, क्या आप थिएटर में जाने के लिए इस फिल्म को देखने के लिए डिजर्व करते हैं या नहीं, सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। किल मूवी की कहानी क्या है जिसकी वजह से फिल्म रिलीज के साथ ही इतिहास रच दिया है। लक्ष्य और राघव जोल की फिल्म किल रिलीज के साथ सुर्खियों में छा गई है। चलिए जानते हैं किल मूवी की कहानी क्या है। करण जौहर की फिल्म किल फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों को प्रभावित करने के बाद 5 जुलाई 2024 को भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। आज तक की सबसे हिंसक भारतीय फिल्म के रूप में किल मूवी जानी जाएगी। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में कोई बड़ा सुपरस्टार या कोई बड़ा जाना पहचाना चेहरा नहीं। करण जौहर ने खुद इस फिल्म को आज तक का सबसे बड़ा हिंसक फिल्म का दर्जा दिया है। फिल्म को देखने से पहले ही मेकर्स ने दर्शकों को चेतावनी दे दी है कि यदि आपको खून खराबा पसंद नहीं है तो आप इस फिल्म ना देखें। चलिए जानते हैं क्या है किल मूवी की कहानी में ऐसा और कैसी है फिल्म। किल मूवी की कहानी हत्या के अनोखी साजिश पर आधारित है। फिल्म की कहानी वास्तव में आपको प्रभावित करने वाली है। अमृत लक्ष्य एक कमांडो अपनी साथी जवान के साथ अभिषेक चौहान के साथ पटना से नई दिल्ली के लिए ट्रेन में चढ़ता है ताकि वो अपने जीवन के प्यार तुलिका के साथ रह सके। एक दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी जिसको रोका नहीं जा सकता था क्योंकि वो अमृत एक मिशन पर था, लेकिन तुलिका अमृत से ही शादी करना चाहती थी। हालांकि ट्रेन की सवारी के दौरान फानी यानी राघव जोल के नेतृत्व में डाकुओं का एक समूह चुपचाप ट्रेन में प्रवेश करता है और पागलपन फैलाता है। ये कोई साधारण डाकू नहीं है, उसके पास जैमर है। उन्होंने अपने शटर खींचकर ट्रेन की बाकी हिस्सों से 3 बोगियों को काट दिया है। ऐसा उनका एकमात्र लक्ष्य, भले ही उसके लिए उन्हें हत्या करनी पड़े। अमृत और उसका दोस्त उन्हें रोकते हैं लेकिन केवल एक हद तक। आखिरकार यह 20 लोगों के खिलाफ 2 लोग है जो बाद में 40 हो जाते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो अमृत को परेशान करता है और तब सब कुछ बिगड़ जाता है। लेकिन कहानी में तब एक अजीबोगरीब मोड़ लेती है जिसकी वजह से अमृत एकदम परेशान हो जाता है और सब कुछ बिगड़ जाता है। कर्तव्य और भावना के बीच में रेखाओं को धुंधला करते हैं क्योंकि कहानी का हर एक मोड़ का मतलब जीवन या मृत्यु हो सकता है। किल मूवी ये बयां करती है कि एक आदमी अपने भाग्य को फिर से लिखने के लिए प्यार में कितनी दूर तक जा सकता है। किल फिल्म की कहानी को देखकर ऐसा लगता है कि ये एक बदला लेने वाली फिल्म है। फिल्म की शुरुआत में देखकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्म आगे जाकर इतनी हिंसक होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों राघव जोल के कास्ट की। फिल्म में आपको देख के ऐसा लगेगा राघव जोल का कर। राघव को आपको देख के ऐसा लगेगा कि पेट्रोल पंप पर मिला हुआ एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता है। इस फिल्म को यदि कुछ खास बनाता है तो इस फिल्म की कहानी के साथ साथ इस फिल्म के किरदार की एक्टिंग और फिल्म की कोरियोग्राफी। फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने पेश किया गया। फिल्म को देखते हुए आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। आपको हर पल ये लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। शायद यही बात है जो आपको अपनी सीट पर बांध के रखने के लिए मजबूर कर देगी। इस पूरे फिल्म की कहानी राघव और पर आधारित है। इसमें तानिया को ज्यादा स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलेगा। फिल्म में इतना खून खराबा दिखाया गया है कि यदि आपको खून खराबा देखना पसंद नहीं है तो आपको उल्टी भी आ सकती। ये एक थ्रिलर फिल्म नहीं है, लेकिन किल मूवी में दिखाए गए खून खराबे ने इस फिल्म को थ्रिलर फिल्म बना दिया है। पागलपन और तबाही भले सही न हो लेकिन खून खराबे के साथ एक बिंदु के बाद आपको फिल्म देखकर मजा आ जाएगा, जबकि आप अभी भी अपनी सीट पर कांपते रहेंगे। ये न केवल सबसे खूनी एक्शन फिल्म है बल्कि यह भी साबित करती है कि भारतीय सिनेमा की बनी सबसे खतरनाक और बैलेंस फिल्म है। भारतीय सिनेमा बिना किसी नाच गाने के भी एक एक्शन ड्रामा फिल्म बना सकती है। किल ये फिल्म ये साबित करती है कि किसी भी फिल्म को बेहतरीन बनाने के लिए किसी भी बड़े सितारों की आवश्यकता नहीं होती। कैसा लगा आपको राघव का एक्शन लुक और कैसी लगी ये आपको फिल्म, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आपको बता दूं दोस्तों कि इस फिल्म को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, पर इतना ख्याल रखें कि अगर बच्चों को खून खराबा पसंद नहीं तो इस फिल्म को बच्चों के साथ न देखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर ले दोस्तों फिल्म से ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।